नमस्कार, मैं शिवा बात्री और आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। चलिए तो आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम। बता दें, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। हालांकि इस पूरी खबर की पुष्टि डीवी न्यूज नहीं करता है, यानी कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसी की खबर सामने आ रही है उस हिसाब से दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है और जा रहे कि उन्हें किसी ने जहर दे दिया है। इस तरह की अपुष्ट खबरें हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। जहर दिए जाने के बाद उसके अस्पताल में भी भर्ती होने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज ट्विटर तक फिलहाल डाउन है और इसकी भी दाऊद के ही खबर से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासमी ने भी दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक होने की बात कही है। बता दें, दुनिया यानी कि पूरी दुनिया और खासकर भारत को कई वर्षों से दाऊद की तलाश है, ये जानते हुए कि वह पाकिस्तान में लंबे अरसे से रह रहा है। अब तक वह कभी भी दुनिया की पकड़ में नहीं आ सका। भारत की ओर से बार बार उसके खिलाफ सबूत दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ उसकी मौजूदगी से इनकार किया है। बता दें, दाऊद इब्राहिम के गुनाहों की फहरिस्त काफी ज्यादा लंबी देखने को मिली है। चलिए तो आइए जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के भारत में किस तरह के गुनाह रहे हैं जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा टॉप पर बना आतंकवाद रहा है। बताते हैं, सबसे पहले आतंकवाद और बम धमाके जिसमें दाऊद इब्राहिम की संलिप्तता देखी गई है। 1993 के बम धमाके में उसकी भूमिका को लेकर वह भारत की जांच एजेंसियों की तलाश में हमेशा रहा। बता दें, 1993 का मुंबई बम धमाका जिसमें कम से कम 250 लोगों की मौत हुई, उसके पीछे मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का ही हाथ है। वहीं पिछले साल ही भारत की जांच एजेंसी ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के 5 लोगों को आरोपी बनाया गया और इस केस में ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क चलाने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले को आधार बनाया गया था। आतंकी गतिविधियों की बात अगर करें तो अलकायदा और लश्कर में भी दाऊद इब्राहिम के रिश्ते बताए जाते हैं। वहीं अब बात करें उगाही के नायाब तरीके, दाऊद इब्राहिम हमेशा सही निकाल लिया करता था। एक पुलिस वाले का बेटा दाऊद इब्राहिम जीवन के शुरुआती दिनों में ही गलत संगत में पड़ गया। बता दें, शुरुआत में चोरी डकैती और तस्करी की, लेकिन तब के कुख्यात डॉन करीम लाला गैंग के संपर्क में वह आया। फिर क्या, पैसे की उगाही करने वाला दाऊद सट्टेबाजी, फिल्मों की फाइनेंसिंग और जयायम के दूसरों धंधों में भी घुसता चला गया। वहीं दाऊद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्रोड्यूसर्स से उगाही कराता था और कहते हैं कि दाऊद ने उगाही से जो पैसे आए उसको रियल एस्टेट में जमकर लगाया। हवाला के तमाम कारोबार में इसका हाथ रहा है, जहां अवैध पैसों को देश से बाहर गैरकानूनी तरीके से भेजा जाता रहा है। वहीं टारगेट किलिंग के मामले 1981 में जो साविर इब्राहिम कास्कर की हत्या कर दी गई थी, साविर दाऊद का ही भाई था और 4 लोगों ने 5 गोली साविर को मारी थी। भाई की हत्या से बौखलाया दाऊद इब्राहिम, इसके बाद गोली ही ओढ़ता बिछाता रहा। बता देते हैं, दाऊद इब्राहिम ने साल 1986 में देश छोड़ दिया, लेकिन उसके गुरु मुंबई हर तरफ बने रहे। कहते हैं कि वह डी कंपनी के अपने गुर्गों के जरिए टारगेट किलिंग कराने लगा था और पठान गैंग जिसे दाऊद के भाई को मारा था उसके सभी लोगों को मारने का फरमान दाऊद ने दे दिया। उसके बाद एक एक कर कई हत्याएं हुई। मुंबई पुलिस को उसके बाद 2 दशक इस गैंगस्टर की पकड़ को कमजोर करने में लग गए। कुल 900 एनकाउंटर हुए, तब जाकर चीजें थोड़ी ठीक हो सकी। वहीं बात करते हैं ड्रग तस्करी का कारोबार, जो कि काफी ज्यादा धड़ल्ले से दाऊद इब्राहिम चलाया करता था। अफीम और ड्रग तस्करी के कारोबार भी दाऊद इब्राहिम लगातार करता रहा। बता दें, पाकिस्तानी आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ साठ गांठ बिठाकर दाऊद ड्रग की तस्करी दुनिया के अलग अलग कोनों में करता रहा है। बाद में ड्रग से आए पैसे के जरिए वह अपनी महंगी लाइफस्टाइल जीता रहा और इसी तरह वह पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों को भी फंड कराता रहा। ज्यादातर जो ड्रग की तस्करी का कारोबार दाऊद ने किया वह अफगानिस्तान में मौजूद उसके संपर्क के बिना कभी नहीं हुआ। वहीं बता देते हैं, दाऊद लगातार इसके जरिए अपनी पावर मजबूत करता रहा है।
वही अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाने वाले दाऊद इब्राहिम को फूड पॉइजनिंग हो गया है, अब ऐसी खबर सामने आ रही है। बता दें या तो यहां पर खबरें छुपाई जा रही हैं या पूरी तरीके से मामला साफ नहीं हो पा रहा है। हालिया रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम को फूड पॉइजनिंग हो गया है, उसे ना तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ना ही जहर दिया गया है। बिना किसी पुख्ता जानकारी के अब भी यह दावा किया जा रहा है कि उसे 102 डिग्री का बुखार था और इसके चलते कई बार उल्टियां हुई हैं। दावे के मुताबिक सुरक्षा के चलते उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया और इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम को घर पर ही बुलाया गया है। बिना किसी सबूत के दावे किए जा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची स्थित अपने बंगले में है। यहाँ पहली मंजिल पर एक कमरे को वार्ड रूम में तब्दील किया गया है जहाँ डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले सोमवार को कई बार उल्टियां करने के बाद दाऊद को 102 डिग्री बुखार की शिकायत के बाद डॉक्टरों की टीम को क्लिफ्टन कराची बुलाया गया था। वहीं 68 साल के दाऊद को कराची के बंगले में ही 3 से 4 वाटर ड्रिप लगाई गई थी और 3 दिन के इलाज के बाद तबीयत में सुधार 3 दिनों के इलाज के बाद जो आया है, दाऊद की तबीयत में सुधार लेकिन बेड पर ही आराम वह कर रहा है। बता दें उल्टियों की वजह से वह कमजोर हो गया और बेड से उठ पाने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी देखरेख में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दाऊदी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वहीं जहर दिए जाने के दावे की पुष्टि अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। रविवार रात से भारतीय मीडिया में यह खबर छाई हुई है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और अस्पताल में वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकर ने एक एक्स पोस्ट का फर्जी स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। सूत्रों की माने तो भारतीय जांच एजेंसियां और मुंबई पुलिस भी इस बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने की 27 तारीख को दाऊद का जन्मदिन भी है, जिसके लिए कराची में एक अज्ञात जगह पर कुछ खास मेहमानों को पार्टी के लिए न्योता भी दिया गया है। हालांकि अभी तक यह पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हुई है कि दाऊद इब्राहिम को सच में जहर दिया गया है, ये किसी प्लानिंग के तहत था या फिर दाऊद इब्राहिम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। हालांकि यहां पर खबरों का पूरी तरीके से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट भी बहाल किया गया है, इंटरनेट सेवा बहाल की गई है ताकि इन खबरों को ज्यादा घुमा फिरा कर ना फैलाया जाए। हालांकि इस जानकारी के लिए हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए डीवी न्यूज़।